हाय नमस्ते. ओके सो आई एम बैक. दिस टाइम आई एम हियर टू स्पीक अबाउट अ टॉपिक विच इज़ वेरी इन जनरल बट डेफिनेटली एज एन इंडियन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल द इंडियंस एंड वी ऑल शुड नो दैट. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे एज अ सोसाइटी इन अ होल दीज आर द न्यूज़ विच आई डोंट नो वाई बट इवन द मीडिया न्यूज आर नॉट शोइंग. अगर आप अभी आप टी वी ऑन करो न्यूज़ चैनल लगाओ आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ आएगी वो ड्रग्स केस के ऊपर. पीपल डिस्कसिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम एंड ब्लाह ब्लाह स्टफ्स विच इज़ एक्चुअली गॉड नोज़ हाउ रिलेवेंट इट इज़ फॉर अस. ऑफकोर्स वी शुड नो दोज़ न्यूज़ एज वेल. बट देन इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग अगर आपने न्यूज़ देखी रहेगी या फिर यू नो ये न्यूज़ आई है बट इट्स लाइक यू नो जस्ट एक कैच एंड थ्रो अवे. इट्स लाइक दिखाया गया फेज में एंड देन इट जस्ट वेंट अप इन द बीम ऑफ लाइट जस्ट फ्लैश किया और चला गया. One such news, I have two such newses which is like a great proud moment for India and every Indian should know and should acknowledge it and should feel proud of it. The first news is that India stood first in the G7 countries forum and the export part of India is like, you know, it has been risen by 47%. It's such a great news, you know, it is such a positive news. In fact, the young generations hai, they should know about it, how it is going to impact the entire productivity of our country, how it will going to help us in blooming up the what we say the export process furthermore. So ye bahut ek achhi cheez hai which every kid or every person in India should know and I believe this was really a great news because we have beaten up all the G7 countries and they are such a big countries including China as well. चाइना यू एस ए एंड अदर टाइप्स ऑफ कंट्री. तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं उनको दिखानी चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ आके चली गई एंड वी वर मोर फोकस्ड अपॉन दीज द स्टेप्स विच आई सेड यू अर्लियर. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ अबाउट हमने बहुत सक्सेसफुली DRDO ने Agni-5 जो मिसाइल है न्यूक्लियर मिसाइल दैट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. इट वॉज सक्सेसफुल. द टेस्टिंग वॉज डन फ्रॉम ओडिशाज APJ अब्दुल कलाम्स आइलैंड एंड द टेस्टिंग वॉज रियली सक्सेसफुल. इट्स लाइक ग्रेट थिंग. इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 29,500 किलोमीटर पर आवर्स and you know the range is up to 5000 to 8000 kilometers. wow, that's such a great thing. news dikhai bhi gayi to aise dikhai gayi ki like it's a lesson or it's an answer to China. definitely it's not an answer to China. I will not be the right person to say that but definitely the way it, you know, our borders are being currently under the scrutiny of other countries, definitely it's a very good and positive news for us as an Indian because हमारा डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एज एन इंडियन यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग एंड दिस इज़ वन मोर व्हाट वी से वन मोर डायमंड ऑन द क्राउन. सो दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस एज एन इंडियन. इन फैक्ट आर पॉलिसीज हैव ऑलवेज बीन नो फर्स्ट यूज़ व्हेन इट कम्स टू मिसाइल. एवरीबडी नोज दैट इंडिया कभी भी पहले खुद से वॉर नहीं इनिशिएट करता बट डेफिनेटली हमारे मैकेनिज्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टू बीट अप ऑल द पीपल हु विल ट्राई टू आई ऑन अस. सो I don't know why this news was not in the frame or rather ये बहुत अच्छे से hype करके दिखाना चाहिए था but नहीं दिखाया गया. whereas अगर आप other countries की बात करो हमारी जो countries जो हमसे like थोड़ा सा they are you know much more into the scrutiny या फिर उनको ऐसा लगता है कि like नहीं ये थोड़ा सा चीज़ दिखाना चाहिए वहाँ पर ये पूरी discussion हुई इस चीज़ के ऊपर. but हमारी खुद की country में discussion was more about some other stuffs, you know. of course that's an important part but this news should have been on the top. this is what actually I feel, that's my feeling. so yeah, this is really a proud thing and as an Indian you all should know, you know. ऐसा होता है लाइक इंडिया हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल एंड ह्यूज मार्केट बट देन आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मीडिया एंड पीपल आर ट्राइंग टू शो द नेगेटिव थिंग्स एंड दिस इज हाउ वी जस्ट कम डाउन. अदरवाइज वी कैन बीट एनीबडी. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.